सुप्रभात बच्चों, आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे पाठ चार सर्वनाम प्रयोग। सर्वनाम का प्रयोग, सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द वही होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? आप सभी को पता है, किसी भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, है ना, भाव, पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, है ना, कि संस्कृत में कौन कौन से सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं। जैसे तत्, वह, एतत्, यह, इदम्, यह, किम, कौन, क्या, युष्मत्, तुम, तू, अस्मत्, मैं, हम। जैसे संज्ञा रामः गच्छति, है ना, राम जाता है, सः गच्छति, राम संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम सः गच्छति। एतत्, यह, ये दूर के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, और ये पास के लिए। कौन कौन सा? एतत् और इदम् का प्रयोग पास के लिए होता है। जैसे एतत्, एषः, पुल्लिंग क्या हो जाएगा? एषः बालकः, एषः बालकः। इदम् मीन्स ये, इदम् का पुल्लिंग शब्द, ये भी पढ़ेंगे अभी हम लोग। इदम् इसका रूप जो है तीनों लिंगों में, इसका इदम् का यह पुल्लिंग भूमि हो जाएगा अयम् बालकः, यह बालक। किम, कौन, क्या, रामः गच्छति, राम जाता है, कः गच्छति, कौन जाता है, युष्मत्, तुम, तू, है ना, युष्मत्, ये उभय लिंग है, तीनों लिंगों में उभय लिंग। तुम दोनों जाते हो, तुम युवाम, तुम दोनों युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम, हम दोनों का अहम आवाम, उत्तम पुरुष द्विवचन आवाम, पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं। इस प्रकार से जो इसका एग्जाम्पल हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, है ना, सः गच्छति, एषः बालकः, अयम् बालकः, ये दोनों पास के लिए होता है। कः गच्छति क्वेश्चन मार्क के लिए, युष्मत् का युवाम गच्छतः, अस्मत् तुम दोनों का क्या हो जाएगा, ये युवाम गच्छतः, और हम दोनों जाते हैं, हम दोनों जाते हैं यदि होता है तो अवाम गच्छावः, लेकिन हम दोनों पढ़ते हैं तो अवाम पठावः। ये जो है आप लोग को पता है संस्कृत में कि जो धातु है वह किसके अनुसार से होता है? पुरुष के अनुसार से चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से आप एक एक करके हम इसका जो है तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में इसका रूप देखेंगे। तत्, वह, इसका रूप सर्वनाम का पहले देख लेते हैं ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में। तो तत् का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? सह, तव, ते, स्त्रीलिंग में सा, ते, ता, और नपुंसक लिंग में त, ते, तानी, है ना। सह मीन्स वह, ठीक है, दूर के लिए। तो मीन्स वे दोनों, और ते मीन्स वे सब, ओके। उसी प्रकार से सा मीन्स वह, स्त्रीलिंग के लिए, ते मीन्स वे दोनों, स्त्रीलिंग के लिए, और ता मीन्स वे सब,
स्त्रीलिंग। तत् मीन्स वह, इसमें भी लेकिन नपुंसक लिंग के लिए। ते मीन्स वे, दोनों नपुंसक लिंग के लिए। और तानी वे सब, इसके लिए नपुंसक लिंग के लिए। जैसे देखते हैं सह पठति, वह पढ़ता है। तो पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। सा पठति, वह पढ़ती है। ते पठतः, वे दोनों पढ़ती हैं। ता पठन्ति, वे सब पढ़ती। तत् तत् पुष्पम् विकसति, वह फूल खिलता है। ते पुष्पे विकसतः, वे दोनों फूल खिलते हैं। तानि पुष्पाणि विकसन्ति, वे सब फूल खिलते हैं। इस प्रकार से तत् का है ना तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से तत् सर्वनाम का प्रयोग आप लोग समझ गए होंगे। चलिए और कुछ है ना एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। तत् पुल्लिंग शब्द का एग्जाम्पल देखते हैं। सह बालकः पठति, वह बालक पढ़ता है। तौ नरौ गच्छतः, वे दोनों आदमी जाते हैं। ते सैनिकाः रक्षन्ति, है ना पुल्लिंग का बहुवचन क्या हो जाएगा। ते, तो ते मीन्स वे सब। ते सैनिकाः रक्षन्ति, वे सब सैनिक रक्षा करते हैं। उसी प्रकार तत् का स्त्रीलिंग, सा कन्या धावती, सा वह लड़की दौड़ती है। ते बालिके क्रीडतः, ते द्विवचन के लिए स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, तत् का ते हो जाएगा, लेकिन पुल्लिंग में क्या होता है, तव होता है, है ना। और वे दोनों के लिए स्त्रीलिंग में ते होता है। तो ते बालिके क्रीडतः, वे दोनों लड़कियां खेलते हैं। ता महिलाः सन्ति, ताह बहुवचन के लिए प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग में। ताह महिलाः, वे सब महिलाएं, वे सभी महिलाएं हसन्ति, हंसते हैं। चलिए अब देख लेते हैं नपुंसक लिंग शब्द का, है ना। नपुंसक लिंग शब्द में दिया है तत् पुष्पम विकसति, वह फूल खिलता है। ते पुस्तके स्तः, वे दोनों पुस्तके हैं। तानि चक्राणि भ्रमन्ति, वे सब पहिए घूमते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग आज सर्वनाम किसे कहते हैं, है ना, सर्वनाम कितने होते हैं, और इस प्रकार से पहला वाला सर्वनाम तत् सर्वनाम का तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में रूप जान लिए और जान करके उसको एग्जाम्पल उदाहरण सहित भी समझे। ओके।